आठ महीने का एक कंसोलिडेशन लोअर बैंड पे हुआ है और अब जिस तरीके से मंथली वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बने हैं, स्टॉक अपने ही सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हुआ और जो ब्रेकआउट बने हैं वीकली चार्ट मंथली चार्ट पे, हमें लगता है ये स्टॉक में अब एक बड़े करेक्शन के बाद एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट हुआ है और स्टॉक अब अपने अपमूव के लिए वापस से रेडी होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के टारगेट जो आना चाहिए करीब 2250 से 2300 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। कोई भी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1850 के आसपास, तो मैस्टेक होगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म पिक